यानी 10 जून को इसका ओपनिंग होने वाला। लादा का तूफान अभी बढ़ेगा। कोस्टल रोड दक्षिण मजले आपले स्वागत है। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल इंटर ट्रैवल व्यू। दोस्तों एक बार मैं फिर आ गया हूँ मरीन लाइंस पे। दोस्तों आज डेट है 9 जून और टाइम है 3:34। ये इस तरफ है ये इस्लाम जिम खाना और इस तरफ है पारसी जिम खाना। और आज ही है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। चलिए चल के आपको दिखाता हूँ पूरा मुंबई कोस्टल रोड का अपडेट, नॉर्थ बाउंड टनल का। और ये इस तरफ आप देख रहे हैं इस्लाम जिम खाना, ये सामने कोस्टल रोड जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और ये इस तरफ पारसी जिम खाना, और उसके सामने ये कबूतर खाना आप देख रहे हैं। हम पहले चलेंगे ये आपको मैं जो ऑलरेडी ओपन ये कोस्टल रोड का ये जो एग्जिट पॉइंट है इसको दिखाते हुए चलूँगा कबूतर खाना से मरमेड स्टैचू के पास, और वहाँ से आगे लगभग आधा किलोमीटर आगे सिग्नल है, उसको क्रॉस करने के बाद चलेंगे नॉर्थ बाउंड का अपडेट देखने। ये देखिए साउथ बाउंड कोस्टल रोड ऑलरेडी जो ओपन है, फंक्शनल है, सब व्हीकुलर मूवमेंट। और ये सर्विस लेन, ये पेवमेंट जो आपको पहले दिखाया था काम चल रहा था, कब का कब पूरा हो गया। ये सर्विस लेन, कोस्टल रोड, और सामने ये नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड। यहाँ से दूर से दिख रहा है सिग्नल, लगता है लग गया है। चलते हैं अभी। तो ये कोस्टल रोड और सामने ये सीफेस रोड, प्रिंसेस फ्लाईओवर, और उस तरफ नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड। चलिए चलते आगे। दोस्तों पहला सिग्नल आ गया यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के और दूर है, और दूसरा सिग्नल यहाँ पे सरनी रोड साइड में एंड में लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर। चलते हम लोग इस तरफ से। ये डिवाइडर पे ग्रास लगाया था, पूरा ड्राई हो गया है अभी। ये सर्विस लेन जाती है ये कालबा देवी की तरफ, पास में ये पेट्रोल पंप, और सामने ये ब्यूटीफाइड किया हुआ ये प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लावर के नीचे आइकॉनिक मरमेड स्टैच्यू। ये रैंप और ये प्रोमनेड। ये रोड पे भी मार्किंग का काम चल रहा है। नेक्स्ट एग्जिट आफ्टर 5 किलोमीटर। ये मार्किंग के लिए ये यूज किया जा रहा है। और सी दिस,
और लुक एट दिस, ये ओपन हो गया है, सामने एलईडी भी लग चुका है। वेलकम टू मुंबई कोस्टल रोड का। और ये धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई किनारा रास्ता दक्षिण मजले आपले स्वागत है। तो दोस्तों ये कोस्टल रोड पे ये मार्किंग का काम चालू है यहाँ से मर्जर का, और आगे आपको दिख रहा है ये एंट्रेंस पे ये एलईडी लाइट लग गई है, वेलकम टू मुंबई कोस्टल रोड, और साथ में ही कोस्टल रोड का नाम धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई किनारी रास्ता। ये मर्जर साइन है, नरमन पॉइंट से आने वाली गाड़ियां यहाँ से मर्ज हो जाएंगी कोस्टल रोड पे या फिर सीधे निकल जाएंगी। इसके द्वारा ये देखे यहाँ पे इसको पेंट किया जाता है ये। चलिए आगे चलते हैं। ये भी लग चुका है, ये इल्यूमिनेट होता है रात के समय जब यहाँ पे हेडलाइट पड़ती है। तो अब चलता हूँ ऊपर प्रोमनेड पे। दोस्तों मरीन ड्राइव आए तो आप यहाँ से यहाँ का व्यू तो बनता ही है। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मरीन ड्राइव। एक ये छोटा सा रैंप बनाया हुआ है यहाँ पे पानी में। दोस्तों मॉनसून एकदम अप्रोच हो गया है, अब इन लहरों का वेव का ही हाइट बढ़ेगी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर धीरे धीरे लहरों का तूफान अभी बढ़ेगा, लहरों का तूफान अभी बढ़ेगा। चलिए चलते आगे। दोस्तों अभी ये एक्सटेंडेड प्रोमनेड पे भी भीड़ होने लगी है, टूरिस्ट आने लगे यहाँ पे, लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, समुद्र का नज़ारा देख रहे हैं और वेव्स का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों वहाँ पे उस एंड पे आप देख रहे हैं पुराने टेट्रापॉड्स और नए टेट्रापॉड्स वहाँ से डालते जो आपको मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में दिखाया हुआ है, उनका काम ये प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर के पास से यहाँ भी हो गया है। लहरों को ब्रेक करने के लिए इन्हें डाला गया है और ये लगभग ये टनल के पास तक का ये पूरा टेट्रापॉड डाले जा चुके हैं। दोस्तों ये नॉर्थ बाउंड जो कोस्टल रोड है ये कोस्टल से एकदम सटा हुआ है, इसके लिए इसके प्रोटेक्शन के लिए इस वॉल को और इन टेट्रापॉड्स को डाला गया है ताकि वेव्स को ब्रेक किया जा सके। आप देख सकते हैं वेव्स में कितना पावर है, अभी तो मॉनसून सीजन के स्टार्ट है, आगे जाके ये वेव्स बड़ी बड़ी होके यहाँ तक यहाँ से कम बाहर भी आ सकती हैं।
ये देखिए। तो दोस्तों ये सामने कोस्टल रोड है और ये कालबा देवी से आने वाला ये प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लावर। अभी तो यहाँ पे मर्जर का साइन नहीं लगा हुआ है, देखते हैं आगे। दोस्तों आपको बता दूँ 3.2 मीटर वाइड इस टनल में 3 लेन्स होंगे रोड के और अंदर ही अंदर 6 क्रॉस वॉक्स होंगे, 4 पेडेस्ट्रियन के लिए और 2 मोटरिस्ट के लिए। और इस टनल की ही तरह सकाडो वेंटिलेशन सिस्टम होगा जो कि इंडिया में पहली बार यूज़ किया गया हुआ है। ये देखिए एक साइन लगाया हुआ है डिवाइडर पे, कोस्टल रोड इस तरफ टुवर्ड्स गिरगांव चौपाटी, यानी ये मर्जर साइन है, इसका मतलब प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर और इस तरफ से भी गाड़ियाँ यहाँ पे मर्ज होकर चली जाएंगी अंदर टनल में। डिवाइडर पे मल्टी डाल के ये अभी ग्रास लगाने का काम चालू है। ये जो प्रोमनेड की वॉल है इस पर पेंटिंग का काम चालू है। ये अभी ये लगता है ये 1 कोटिंग ही होगा। दोस्तों आपको बता दूं कल 10 तारीख को यानी 10 जून को इसका ओपनिंग होने वाला है और 11 तारीख से इसे पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। और ये सिर्फ मरीन लाइन से हाजी अली तक होगा। ये देखिए नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड मरीन लाइन टू वर्ली, लेकिन फिलहाल हाजी अली तक के लिए।
दोस्तों इस बार मैं यहाँ से जाने के बजाय ऊपर से चलूँगा प्रोमनेड से और आपको इस तरफ से पूरा व्यू दिखाऊंगा। चलिए पहले बोल्डर्स, इसके ऊपर टेट्रापॉड्स। लेकिन ये प्रोमनेड पूरी तरह से खोल दिया गया हुआ है क्योंकि कल से ये गाड़ी का मूवमेंट चालू हो जाएगा तो आप यहाँ पे आ नहीं सकोगे, इसके लिए इसका एक्सेस आगे से होगा। तो दोस्तों कल 10 जून को इसका ओपनिंग है और 11 जून को इसको पब्लिक के लिए पूरा ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ से लेके हाजीरी तक होगा। तब तक हम ये प्रोमनेड पे वॉक करके चलते हैं, आपको आगे का दिखा देती हूँ। दोस्तों अभी लास्ट मोमेंट का ये फिनिशिंग वर्क चालू है। ये और ये इस तरफ की एक लेन है, इमरजेंसी लेन है और यहाँ पे नो पार्किंग अलाउड नहीं है। ये पूरा ग्लास को वॉश करने का काम चालू है। ये एक बार टेट्रापॉड डालने के बाद यहाँ का ये पत्रा ये हट जाएगा ये, और फिर वेव्स यहाँ तक आएंगी। और ये आप जो देख रहे हैं गैप बनाया हुआ, ये पानी अगर यहाँ पे आता है तो पानी यहाँ से निकल जाएगा उस तरफ, और अगर एक्सेस वाटर होता है तो ये यहाँ पे से जमा होके इसके लिए रास्ता बनाया हुआ, ये फिर वापस चला जाएगा उस तरफ। और इस टनल के नीचे में एक यूटिलिटी टनल भी बनाया गया है जहाँ पे बड़े बड़े मोटर्स लगाए हैं जो पानी को बाहर निकालेंगे।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन बोल्डर्स को नवी मुंबई एयरपोर्ट के साइड से निकाल के यहाँ पे लेकर आया गया हुआ है यूटिलाइज करने के लिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं टनल के एंड में, कैनोपी के एंड में। वहां से जो गाड़ियां अंडरग्राउंड होके जाएंगी वो यहां से नीचे गुजरते हुए आगे चौपाटी, प्रियदर्शनी पार्क, ब्रिज कैंडी से हाजियाली वर्ली वहां के लिए निकल जाएंगी। और ये पूरा वाइड एरिया पेवमेंट एरिया है, ये पूरा पेवर्स ब्लॉक लगभग यहाँ पे 70% काम हो चुका है। और इस तरफ आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं 4 साल पहले एक पारसी गेट हुआ करता था, उसका काम चल रहा है। और ये सामने देखिए पारसी गेट के पुराना ये पत्थर रखा हुआ है, इसको यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप जाके समुंदर के नज़दीक जाके चढ़ के यहाँ से ऑफरिंग कर सकोगे। चार साल से इन पारसी गेट के इन स्टोन्स को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ था, अब इनको भी लगाने का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये था नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड का मरीन ड्राइव से पूरा अपडेट। आपको मैंने चर्च गेट एंड से पूरा, आपको मैंने मरीन लाइन से पूरा अपडेट दिखाते हुए आ गया हूँ मैं कैनोपी के एंड साइड में, चनी रोड साइड में। और वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।